गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद गुरुवार को बिहार हुए रवाना। सीवान सहित अन्य जिलों में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। चिरवाताल थाना क्षेत्र में आनर किलिंग का मामला आया सामने। भाई ने फावड़े से गला काटकर अपनी बहन की हत्या। खुद ही दी पुलिस को सूचना, हुआ गिरफ्तार। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई धान खरीद की मंडली समीक्षा बैठक। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदा जाए किसानों का धान। शिकायत मिलने पर संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी पर दर्ज कराया जाए FIR। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बसंत पंचमी के आसपास नाथ पंथ और योग विषय पर आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सहमति। कहा, स्वास्थ्य शिक्षा और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव पर एक मॉडल सर्वेक्षण कराए गोरखपुर विश्वविद्यालय और एम्स गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई NGT के आदेश के अनुपालन सहित जिले के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही क्षम्य नहीं। 30 अक्टूबर को निकलने वाले बराफात के जलूस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क। ATM सिटी ने कहा, बिना अनुमति के जलूस निकालने की नहीं है इजाजत। करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जनपद को जल भराव से मुक्त कराने के लिए जियोनो कंपनी द्वारा किए गए सर्वे का आयुक्त सभागार में किया गया प्रस्तुतीकरण। मंडलायुक्त ने जिले में जल भराव की समस्या के जल्द निदान के दिए निर्देश। रेलवे अस्पताल के शौचालय में लगे टाइल्स के कलर पर सपा ने ट्वीट कर जताई आपत्ति, जबकि ट्वीट कर पूर्वोत्तर रेलवे ने भी दिया जवाब। कहा, वर्षों पुराना है टाइल्स, इसका किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है कोई संबंध। कोतवाली थाना क्षेत्र के AD माल के सामने विद्युत पोल पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग से नहीं हुआ जनधन की कोई हानि, स्थिति सामान्य। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 52 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,867। अब तक 306 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 874। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ सभा का किया गया आयोजन। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जा रहा है जागरूक। जिला अस्पताल के SIC द्वारा अस्पताल परिसर का लगातार किया जा रहा निरीक्षण। अस्पताल का कायाकल्प करने और मरीजों को इलाज की बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से चलाया जा रहा अभियान। और आदर्श नवयुवक रामलीला समिति हरदिया के कलाकारों द्वारा धनुष यज्ञ की लीला का किया गया मंचन। भगवान श्री रामचंद्र के धनुष तोड़ते ही प्रभु श्री रामचंद्र के जयघोष से गुंजायमान हुआ परिसर।